तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। प्रदीप चौबे द्वारा लिखित एक हास्य कविता जिसका शीर्षक है शव यात्रा। घबराइए मत, शव यात्रा शीर्षक जरूर है लेकिन हंसी आपको आएगी, तो अपनी सीट से लोटपोट मत हो जाइए। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा पर अंदर से गालियां दे रहे थे। एक ने धीरे से बोला, यार कितना भारी है। दूसरे ने कहा, भाई साहब ट्रक की सवारी है। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पर जा रही है। गौर फरमाइएगा, हमारे बैंक का मित्र बोला, किसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक हमारा मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट कर रो रहा था, उससे किसी ने पूछा कि क्या तेरे मरने वाले के साथ इतना प्रेम है जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है। वह बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपने 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। हमने अपने बाप से लेकर दिया था और अभी तक तो ब्याज भी नहीं लिया था कि इंटरवल में ही लटक गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। अब बताओ कहां करके मैं मर गया। अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमके ही बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया। उसने अपना कंधा जैसे ही हमारे अर्थी को लगाया कि उसके मुख से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। पीछे से किसी ने कहा, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। वो बेचारा घबरा गया। वो बोला, क्षमा करे क्षमा करे, मुंह से निकल गया तो क्या करे। ऐसा नहीं है कि हम शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानते, पर कमबख्त इस मुंह का क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार चीज हमारे कंधे पर आता है, बर्फ मलाई निकल जाता है। दोस्तों जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। तभी पीछे से किसी ने कहा, यार जून का महीना मरने के लिए कितना बोर है। दूसरे ने कहा, हाँ यार सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। फिर किसी ने कहा, हम तो जनवरी में ही प्रस्थान करेंगे क्योंकि फरवरी में एक हिंदुस्तान कर्मचारी की वेतन वृद्धि आती है और हिंदुस्तान कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि छोड़कर नहीं जाता है। तभी शायद किसी को शमशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता से चीखा, राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला, दरअसल मर तो हम रहे हैं, ये मुर्दा तो बहुत खुशी से मस्त है। धन्यवाद।